जैसे ये महाराष्ट्र की शीट है, तो आप देखिए यहाँ पे डेट नीचे लिखी हुई है 15/3/2024। तो ये अभी लेटेस्ट वाली, आज कितना तारीख है, 20 तारीख है हमारी, हाँ फ्रेश वाली है। ओके ये 9/3 का है, मतलब मार्च, 9 मार्च का है, ये आपका 1 मार्च का है। तो भास्कर जी, हाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, यानी कि अभी आप मुझको ये खोला हुआ है, अभी मुझको इसका यानी व्हाट आई हैव टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। ओके, सो जैसे क्या है कि जब आप देखिए पॉलिटिक्स, मत एक लेवल पे तो आप समझिए कि ओवरऑल क्या है पॉलिटिकल जर्नी। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे आप समझ जाएंगे जो प्रोग्राम है उसके थ्रू, एट द सेम टाइम अपने को पब्लिसाइज भी करना है। तो अभी आप खुद भी जब इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने पेजेस भी दिए हुए हैं, करेक्ट। राइट? तो आप पेजेस खोल के खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ लीडर्स का कि उनके पेजेस कैसे चल रहे हैं। जैसे कोई भी लीडर, मान लीजिए आपके यहाँ पे कुछ मिनिस्टर्स के पेजेस आप देखिए, ठीक है, उनके पेजेस क्या है कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, अभी पैसे खर्च कर रहे हैं। तो एक तो चीज हुआ कि हम किसी भी चीज में पैसा खर्च करेंगे तो बूस्ट तो हम उसको कर ही देंगे, उसका तो कोई अंत नहीं है, ठीक है, लेकिन हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये भी समझना हो, किसी का लिमिट वो उसका ज्यादा होगा, किसी का लिमिट कम होगा। तो अभी कुछ पेजेस आपने देखे जहां पे आपने देखा कि मीम्स के थ्रू वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और वो अच्छा चल रहा है। इसी में आप कुछ पेजेस देखिएगा, वो बहुत सिंपल सा पेज है, बस वो पैसा लगा लगा के लाइक्स भी ले रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मतलब लाइक्स हैं, शेयर्स आ रहे हैं, जब नहीं कर रहे हैं तो 2-4 ही आ रहे हैं। ये सामने रहने के लिए चालू है अभी, ये सॉरी, जो कुछ चल रहा है इनका, कुछ लोगों का मैंने देखा, दे आर ओनली यानी दे आर नॉट टू मच एक्टिव, बट ओनली तभी भी वो एडवर्टाइज शुरू रख रहे हैं, हाँ वो इन वो यानी सामने फेस यानी वो रिपीटेशन के लिए हाँ रिपीटेड सामने वो फेस रहना चाहिए, इसलिए जैसे ये डॉक्टर संजीव नाइक है, गणेश नाइक उनका लड़का हूँ, तो ये लोग अभी वही कर रहे कि अभी नहीं है लेकिन इन वो सामने बैक बैक उनका वो डाटा कलेक्ट करते क्या, वो उतना फेसबुक में उतना डाटा ये करके कि नोन पीपल दीज दे डू दैट जियोग्राफिकल ये एडवर्टाइज। मतलब हम श्योर नहीं है, जैसे आप ये काफी आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, सो ये डेटा स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग सिर्फ इतना से समझ नहीं आ रहा है, बट इसके साथ साथ आपको, आपके साथ हमने एक ये भी शेयर किया हुआ एडवर्टाइजर्स 7 डे, मतलब ये नेशनल हाँ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं जैसे संजय काका पाटिल अभी रीसेंट मंथ पे आ जाते हैं, शिवराव हाँ जी का मान लीजिए देखते हैं, इसको हम इस नेशनल वाले में आके है। मान लीजिए यहाँ इनका मैंने सर्च किया, तो यहाँ आप देखिए ये 22,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, 22,500 राइट। नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब इनका महाराष्ट्र में देखते हैं, यहाँ भी 22,500 है, हाँ मतलब कि ये कर रहे हैं, ये अपना एड महाराष्ट्र के बाहर नहीं दिखा रहे हैं, तो करेक्ट। इनका सही है। उसी हिसाब से जैसे आप माई गॉव इंडिया का देखिए, इसका महाराष्ट्र में जो स्पेंडिंग है वो 10 लाख है, 11 लाख, और इसका आप नेशनल लेवल पे देखिए ये 1 करोड़, 1.5 करोड़ है, गवर्नमेंट ये का स्टेट वाइज कर रहे हैं, मतलब ये पैन इंडिया कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जैसे कुछ
ये एक इनसाइट आपको समझ में आई। अब आप इसमें भी एक तो हुआ कि इसको खुद के लिए यूज करना और दूसरा कि इसको दूसरे के लिए यूज करना। तो आप मान लीजिए कि आपको लगता है जो कुछ पॉलिटिशियंस जिनके साथ आप ऑलरेडी एसोसिएटेड होंगे, आप जानते हैं कि भाई ये किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट लीडर हैं, नेशनल लीडर हैं, क्या हैं, आप उनको फीडबैक दे सकते हैं कि भाई आपका पैसा प्रॉब्ली वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर इलेक्शन का टाइम है, एक नॉर्मल टाइम है तो एक अलग बात है कि चलो पूरे देश में दिखे, लेकिन अगर इलेक्शन टाइम पे पहले तो मतलब ये हमें जनरल बात कर रहे हैं आपसे, आप उनका पर्सपेक्टिव समझिए, उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपका जो सोशल मीडिया चल रहा है वो मैंने स्टडी किया, मैंने देखा कि आपका बहुत सारा पैसा मतलब अब बिहार में ऐड दिख रहा है, देश भर में दिख रहा है, उसका क्या जरूरत है। वही अगर सिर्फ महाराष्ट्र महाराष्ट्र में दिखे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। तो वो एक इनपुट हुआ। दूसरा इनपुट प्रॉब्ली आप यहाँ से जब पेजेस आप देखेंगे थोड़ा इस पे, जब आप समय देंगे मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे, तो आप ये भी देखेंगे कि कोई एक फेसबुक पेज कितना अच्छा चल रहा है, कितना खराब चल रहा है। मतलब अच्छा इन द सेंस कि यूजुअली कुछ पेजेस के बारे में जैसे आपको देख के भी अच्छा लगेगा कि ये बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है, तो आप उन पेजेस को एनालाइज कर सकते हैं। इसके ऊपर वैसे मैंने यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला है, मैं यहाँ पे भी उसको डाल दूंगा, कि यूजुअली इलेक्शन के टाइम पे आप 5 पोस्ट एक दिन में करते हैं, ठीक है, तो उससे अब वो थोड़ा अलग अलग टाइप का, मतलब एक हो सकता है उसमें एक आपका शेड्यूल का होना चाहिए, एक पब्लिक मीटिंग का होना चाहिए, एक पोस्ट आपका प्रॉबली लोगों के का इंटरेक्शन का हो सकता है, कुछ एक वीडियो बाइट हो सकती है। तो इलेक्शन के टाइम पे यूजुअली 4 से 5 पोस्ट तो आपका पेज से आना ही चाहिए, ठीक है। तो जिनका नहीं आ रहा है या जिनका उस तरीके से नहीं आ रहा, एक ही टाइप का आ रहा है, आप उनको अगेन फीडबैक दे सकते हैं, या खुद से भी, खुद में भी ये आपको अवेयर कराएगा कि कल के डेट में जब आप अपना सोशल मीडिया मैनेज करवाएं तो कैसा होना चाहिए। करेक्ट सामने वाले से जब आप एजेंसीज से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आप एजेंसीज को बता सकते हैं, या एजेंसीज जब आपको बताएंगी वो अपना पेज दिखाएंगे तो आपको तो ऑलरेडी पहले से भी आइडिया है, तो आप एसेस कर सकते हैं कि भाई कौन सी अच्छी एजेंसी है, कौन सी खराब एजेंसी है। करेक्ट और अगली चीज की इसमें आपको एजेंसीज का भी पता लगेगा। ओके, ये जो डिस्क्लेमर लिखा है, दीज आर द हाँ, ये डिस्क्लेमर्स है कि कौन पेज को रन कर रहा है। ओके तो जैसे ये देखिए आप, पैसा मानी फॉर गुंटूर, ठीक है, ये जो पेज है इनका, ये अदनान मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इसको रन कर रहा है, ओके आधान मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब लेट्स से कि महाराष्ट्र में आते हैं तो जैसे ये फ्यूचर रेडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये बटरफ्लाई लर्निंग्स को कर रहे हैं, नाना पटोले जी का जो पेज है वो इंस्पायर हम के एजेंट से कर रहे हैं। ओके इंस्पायर इसको रन कर रहा है। सो अभी जैसे मैंने सर्च किया तो अगर ये किसी और पेज को भी रन कर रहा होता तो उसका भी आ जाता। हाँ करेक्ट इंडस्ट्री तो इसी तरीके से जैसे इंटरैक्टिव बीज प्राइवेट लिमिटेड, हवा बदलो, ये अगेन एक ही पेज, इसमें तो एक ही पेज ये रन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कोई नेशनल एजेंसी है। हवा बदलो, TV2000। अच्छा, अभी ये जैसे कि पेज नहीं दिखा रहा है, ठीक है, तो ऐसा कभी हो
तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे तो हम उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, अभी आपने जैसे बोला आई विल गो थ्रू ऑल द ये पूरा कोर्सेस से हाँ, वन बाय वन। ये जैसे पेज आ गया, हवा बदलो। अच्छा, तो ये इन्वायरमेंट का, ये गेल गेल द्वारा बनाने। करेक्ट। सो ये मुझे आइडिया दे रहा है सोशल मीडिया इन जनरल कैसा होना चाहिए, कौन कौन से लोग एक्टिव हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो जिस भी स्पेस में हम ऑपरेट कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए।